स होता ही मनुष्य के मन के शुद्धिकरण करने के लिए है आठ महीना मनुष्य का मन बाहर के जगत में भटकता रहता है लेकिन ये जो चार माह होते हैं ये बाहर के जगत से निकलकर व्यक्ति अंतर जगत में प्रवेश कर सके संतों का सानिध्य प्राप्त कर सके अपने आप में उतर कर आ सके प्रभु भक्ति कर सके स्वाध्याय कर सके सत्संग कर सके जीवन का कल्याण कर सके और पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट करके जीवन में मुक्ति का द्वार खोल सके इसी पवित्र भावना से हर वर्ष गुरुजनों के पावन सानिध्य में सदगृहस्थ चातुर्मास की स्थापना करते हैं मनुष्य आम जन जीवन में जीता है रोज रोज उसके लिए धर्म की शरण में आना हो सकता है संभव ना हो उसे धन भी चाहिए, उसे जमीन जायदाद भी चाहिए उसे सोना चांदी भी चाहिए उसे बीबी बच्चे और परिजन भी चाहिए उसे दुनिया की सारी व्यवस्था चाहिए और इन सब के लिए व्यक्ति को उपक्रम करना पड़ता है लेकिन श्री प्रभु ने हम सब लोगों के आत्मकल्याण के पवित्र भावना से हम सब लोगों के जीवन के निस्तार की पवित्र भावना से कि जीव संसार में रहते हुए बाहर की गतिविधियों में जीते हुए बाहर के जंजाल में जीते हुए बाहर की व्यवस्थाओं को संपादित करते हुए भी अपने आत्मकल्याण के लिए कुछ महीने अगर समर्पित कर दे तो शायद वो थोड़े से महीने ही उसके वर्ष भर के किए हुए अशुभ कर्म को धोने में सहयोगी हो जाते हैं जैसे घर में अगर कचरा हो हम झाड़ू निकालते हैं हम पोंछा लगाते हैं ज्यादा कहीं दाग लग गया हो हम साबुन लगाते हैं और भी कहीं ज्यादा दाग लग गया हो तो हम केमिकल का प्रयोग करके उस दाग को मिटाते हैं ऐसे ही संभव है अज्ञान अवस्था में अनजान अवस्था में कभी कभी जानबूझकर भी हमारे द्वारा वर्ष भर में कोई भी प्रकार का गलत कार्य हो सकता है अवांछित व्यवहार हो सकता है अवांछित शब्दों का प्रयोग हो सकता है अवांछित कर्म हमारे द्वारा किया जा सकता है लेकिन ये जो चातुर्मास के चार महीने आते हैं ये व्यक्ति के पिछले आठ महीनों का शुद्धिकरण करने के लिए आते हैं यही तो वो चार महीने होते हैं जिन चार महीनों के दौरान हम परूषण पर्व की भी आराधना करते हैं अपनी आत्मा की शुद्धि करने के लिए यही वो चार महीने होते हैं जब हम तप की आराधना करते हैं जब हम जप की आराधना करते हैं जब हम सामायिक के लिए श्रद्धा पूर्वक अपने अंतर्मन को समर्पित करते हैं जब हम विवेक पूर्वक सत्कर्म और क्रियाएं अपने जीवन में कैसे कर सके समर्पित करते हैं साल भर तक व्यक्ति भोजन के प्रति अपनी बुभुक्स वृत्ति को रखता है लेकिन ये चार महीना बुभुक्स आदमी नहीं बनता मुमुक्षु बनता है अपने आत्मकल्याण के लिए अपने आत्म मुक्ति की व्यवस्था के लिए व्यक्ति तप की क्षण में जाता है व्यक्ति धर्म की क्षण में जाता है व्यक्ति संयम के क्षण में जाता है व्यक्ति स्वाध्याय के क्षण में जाता है व्यक्ति सत्संग के क्षण में जाता है व्यक्ति सदाचार के क्षण में जाता है व्यक्ति गुरुजनों के पावन सानिध्य में जाकर अपने जीवन का कल्याण करने की व्यवस्था करता है यूं तो जिंदगी भर तक आदमी अपने बीबी बच्चों के कल्याण में ही लगा रहता है हमारे महर्षि जन हमारे ज्ञानी जन हमारे पूज्य गुरुजन हमें जीवन का यही तो पाठ पढ़ाते हैं तू तो दुनिया का कल्याण करता रहेगा सबका भला करता रहेगा बीबी का बच्चे का परिवार का परिजनों का अपनी तिजोरी बढ़ाता रहेगा जरा सोच ओ भो मीठो ये भाव तो तूने बहुत मीठा से जी लिया है लेकिन भव भाव की व्यवस्था के लिए मैंने कल ही कहा था ना अमेरिका धन में आगे हैं मानता हूं उनके पास हमसे बहुत ज्यादा धन है हम रुपये में जीते हैं वो हमसे बयासी गुना आगे डॉलर में जीते हैं यानी वो हमसे 80 गुना आगे धन में आगे हैं पर हम इस बात के लिए सदा गौरव करते रहते हैं वो धन में आगे हैं और हम धर्म में आगे हैं हमारे पास महावीर बुद्ध जैसे जैसे महापुरुष हुए हमारे पास राम कृष्ण दिव्य आत्माएं हुई जिन्होंने हमें धन से भी आगे बढ़कर व्यक्ति को नैतिक पवित्र एक ईमानदारी सच्चरित्र जीवन जीने का पावन मार्ग प्रदान किया और इसीलिए हम इस अपने भारत भूमि पर गौरव करते हैं मैं जब बालक था मैंने अपने ही गली मोहल्लों में तब एक फिल्म बच्चों में उत्साह भावना और राष्ट्रभक्ति को पैदा करने के लिए एक फिल्म दिखाई जाती थी और जहां तक मैं समझता हूं आपने भी अपने गली मोहल्ले में उस समय बावन साल इक्यावन साल पहले वो फिल्म देखी होगी और शायद उस फिल्म का नाम था उपकार और आपको यह भी याद होगा उसका एक बड़ा लोकप्रिय गीत बना था मेरी देश की धरती बोलो बोलो सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मैंने उस समय सोचा था कि मेरे देश की धरती में सोना चांदी हीरे जावरात भला कहाँ प्रकट हो सकते हैं खेत खेत में गया खलिहान खलिहान में गया पूरे देश भर में हमने पचास हजार किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा की पूरे राष्ट्र में हमने पचास हजार किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा की और एक एक खेत खेत में ढूंढने की कोशिश की कहाँ है हीरे कहाँ है मोती कहां है जावरात कहाँ है सोना कहां है चांदी अरे कभी चलते चलते हम के में गए तो बताया गया कि यहां की जमीन में सोना गड़ा है पर मैं आपको कैसे बताऊं जब हमने अपने देश के सांस्कृतिक वैभव को देखा हमारे देश के महापुरुषों के जीवन को देखा तो मुझे लगा ये गीत उस जमीन के लिए नहीं है जो जमीन से हीरा मोती और सोने चांदी निकलते हैं ये गीत उन लोगों के लिए है जिन्होंने महान जीवन जीकर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती महावीर हमारे देश के हीरे हैं बुद्ध हमारे देश के कोहिनूर हैं राम और कृष्ण हमारे देश के मोती हैं इन्हीं सब ने मिलकर हमारे देश के वैभव को बढ़ाया है आज अगर हमारा भारत विश्वगुरु के रूप में दुनिया में पूजा जाता है तो अमीरी के बलबूते नहीं मैंने कहा ना उन लोगों का धन यहीं रह जाएगा जो केवल धन के पीछे लगे रहे लेकिन जिन्होंने जीवन में धर्म भी कमा लिया वो अपना धन भी साथ लेने में सफल हो जाते हैं और अपना धर्म भी साथ ले जाने में सफल हो जाते हैं चातुर्मास चार अक्षरों से बना है दिमाग में लीजिए पहला है च दूसरा है त तीसरा है म और चौथा है स चातुर्मास चार महीनों के चार अक्षर में शब्द हैं चातुर्मास का च चा हमें कहता है जीवन में चरित्रवान बनी क्या बोल रहा है दिमाग में लीजिए चातुर्मास का च चा हमें मोटिवेट कर रहा है जीवन की महान प्रेरणा दे रहा है जीवन की नैतिक शिक्षा हमारे जीवन में जोड़ रहा है और जो हमें कहता है चातुर्मास का च कहता है चरित्रवान बनो हो सकता है वर्ष भर में आठ महीने में हम अपने द्वारा ऐसा कोई कृत्य कर बैठे हो जिस कृत्य से हमारी आत्मा कलुषित हो संभव है हमने ऐसा कोई चिंतन कर लिया हो जिससे से हमारी मानसिक दशाएं निर्मल की बजाय कुत्सित हुई हो हो सकता है हमने व्यापार में झूठ प्रपंच बोल चाल में ऐसा कोई कर्म कर लिया हो जिससे हमने कर्मों का बंधन कर लिया हो परमात्मा कहते हैं चातुर्मास के ये चार महीने हैं ये जो चातुर्मास के चार महीने हैं पहला काम चातुर्मास का कहता है ये चार महीने हम चरित्रवान बनकर जिएंगे, अगर हो सके तो मन में संकल्प लीजिए कि इन चार महीनों में मैं अपने आप को उस नैतिकता पवित्रता निर्मलता शील संयम और सदाचार की ओर लेकर जाऊंगा कि मैं इन चार महीनों में शीलवान बनकर शील व्रत बन का पालन करने की कोशिश करूंगा धन्य है वे श्रावक जन जो पूरे चातुर्मास में शील व्रत का पालन करके अपने आप को धन्य धन्य करते हैं मुनियों के लिए तो आजीवन ही शील व्रत को जीने का आदेश दिया गया है मुनि आजीवन नैतिक पवित्र और शीलवान बनकर अपने जीवन को जिए पर अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर ले हमारे पास एक बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई है संतों के लिए हमने हजार आदर्श स्थापित कर दिए हैं संत में ये भी हो 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 और जैसी बात गृहस्थ की आती है झट से कह देते हैं बाप जी मैं तो गृहस्थी हाँ ये बात आज तक समझ में नहीं आई संतों पर हजार बंधन है तो गृहस्थ मर्यादाओं से मुक्त रहकर अपने जीवन को सदगृहस्थ कैसे बना सकेगा आखिर संत कहां से आते हैं इन्हीं गृहस्थ में से आते हैं ना अगर गृहस्थ ही अच्छा संयम पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे तो संत जीवन कैसे जी पाएंगे हर गृहस्थ को भी अपने जीवन की अपनी मर्यादाएं बनानी चाहिए धन को कमाने की मर्यादाएं मैं इतनी अमुक सीमा तक अपने धन का उपार्जन करूंगा कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो कमाते जा रहे हो कमाने का अंत नहीं है पर एक बात कान खोलकर सुन लेना आपका तो अंत है आपका अंत है इसलिए तय कर लो मैं जब तक साठ साल का हो जाऊंगा मेरे बच्चे पांव पे पूरी तरह से खड़े नहीं हो जाएंगे वे व्यापार की बात करने में समर्थ हैं वे धंधा कर सकते हैं वे धंधे में धन का उपार्जन कर सकते हैं पूर्णतया सक्षम हो गए हमसे अच्छे तो वे पंछी होते हैं जैसे ही पता लगे कि उनके बच्चे पंख फड़फड़ाने में सफल हो गए आसमान में ले जाते हैं और ले जाकर हवा में उनको भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं एक हम हैं जो नब्बे साल के हो जाए और हमारा बेटा साठ साल का हो जाए तो भी लगता है मारो टाबर थोड़ा भूढ़ा है बाप अभी तक बराबर धंधो उसके टाबरों के टाबर हो गए क्या हो गए उसके टाबर नहीं बोलो 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 उसके ताबरों के भी टाबर हो गए तब भी हमें यही लगता है बाप जी वो अभी तक धंधो नहीं संभाल सके मने लाग राखनो पड़े हमारा कभी बहुत साल पहले नागौरी गेट के मुथाजी मंदिर के पीछे जो मैदान है ना वह हमारा चातुर्मास था रात को रोज प्रवचन होते थे हजारों लोग उमड़ उमड़ कर आते थे एक बूढ़े दादाजी भी आते थे और रोज कहते थे बाप जी मारो बेटो नहीं आवे प्रवचन में मैं रोज क्यों वो नहीं आवे मैं रोज क्यों वो नहीं आवे बाप जी मैं रोज क्यों वो नहीं आवे एक दिन मैं के एक काम करीजो आप हमारे नाम से कह दीजो कि तने बाप जी बुलाए है अब उन्होंने जाके कह ही दिया रोज तो मैं क्यों आज तो ललित प्रभ जी चंद्र प्रभ जी बाप जी खुद कहो कि थने सत्संग में आने भी ला यार इतना मोटा संत है मारे नाम से स्पेशल कहवाया चलो भाई कहीं आज चालीला और उन दिन की बात है कि हम लोग सत्संग कर रहे थे सेवा पर जीव दया पर करुणा पर मानवता पर भलाई पर जीवों के कल्याण पर सत्संग कर रहे थे और पता नहीं आदमी के दिमाग में उतर गई वो अगले दिन दुकान में बैठा था देखा गाय आई बाहर में एक ठेले में आटा पड़ा था और गाय वो आटे को खाने लगी उसके मन में आया काले सत्संग सुन रो पेट भर करुणा राखणी जानवरों ने खवावणो दया राखणी चलो कोई बात को नहीं आज आ गाय दो सौ रुपये रो आटो खाए जासी तो खाए जासी या सौ रुपये रो आटो खा लेसी तो खा लेसी गाय आटो खा रही है और वो आराम से दुकान में बैठे है इतना में कौन आया कोसा दुकान में आया यार देखियो बेटो आराम से छोटो कूलर लगा रेटो है आटो खा रही है और मैंने देखी और दादाजी चल रहे अरे मूर्ख कहीं करे देखियो नहीं आटो खा रही है खड़ो भगा ही ना है, वो क्या काले बाप जी कहो था नी जीव दिया राखनी कोई बुखेरो पेट भरनो तो मैं सोचियो आज रो बेचारे पेट भरी दू अरे काको जी बोली अरे छोरा चोखो यो तू नहीं गयो दो तरह के लोग होते हैं नंबर एक जो सुनते हैं और सुनकर जीवन में धारण कर लेते हैं दूसरे होते हैं जो सुनते हैं मन भर, बोलो जो सुनते हैं मन भर, वापस बोलते हैं तन भर, सुनते कितना है मन भर, वापस बोलते हैं तन भर और जीवन में नहीं जीते हैं कण भर सुनेंगे मन भर बोलेंगे टन भर पर जीने के नाम पर टाए टाए विश कण भर भी नहीं जिएंगे चातुर्मास की स्थापना पर हम पहली मानसिकता ये लेकर आते हैं मैं इन पचास दिनों में जो पवित्र वाणी को सुनूंगा निश्चित तौर पर हमने भाई ये एहसास किया है हम जी जो प्रवचन देते हैं ना मैदानों में आकर लाखों लाख लोगों की जिंदगी रूपांतरित तो हुई है यह सत्संग बड़ा कीमिया काम करता है दो दिन पहले ही बाप जी ने कहा था चंद्रप्रभ जी ने कि हरामी को भी जो राम बना देता है बोलो मुंह से हरामी को भी जो राम बना देता है उसका नाम सतसंग होता है दुनिया में जो व्यक्ति अपनी बीबी से नहीं सुधरता दुनिया में जो व्यक्ति अपनी औलाद से नहीं सुधरता दुनिया में जो बच्चे अपने मां बाप के कहने से नहीं सुधरते मैं सच कहता हूं संतों के सानिध्य में ले जाकर थोड़ी देर उन्हें बैठा दो उनकी पवित्र वाणी उनका पवित्र जीवन उनके पवित्र बोल उसके जीवन में इस तरह से रूपांतरण लाएंगे कि आदमी स्वतः परिवर्तित होता चला जाएगा हमारे यहां तो अब तक हजारों हजार लोगों की जिंदगी बदली है न न करते न न करते हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आए होंगे कि न न करते एक लाख से ज़्यादा लोग तो इन गुरुजनों के सान्निध्य में आकर चाहे आप उनका नाम चंद्र जी बाप जी दे दो ललित प्रभ जी दे दो कि शांतिप्र जी दे दो ये नाम न्यारे न्यारे हैं वाणी तो एक ही जैसी निश्चित तो होती है पर एक लाख से ज़्यादा लोगों ने तो सत्संग शब्दों को पकड़ना क्या कह रहा हूं मैं सत्संग इस सत्संग ने चमत्कार किया है कि एक लाख से ज्यादा लोगों ने तो हमारे अब तक नॉन वेज और मांसाहार का त्याग किया होगा और गुटका छोड़ने वाले जर्दा छोड़ने वाले शराब छोड़ने वाले अटरम पटरम खटरम सटरम लटरम पटरम सब छोड़ने वाले तो संख्या लाखों में होगी कैसे मैं आपको बताऊं हमारा चातुर्मास बॉम्बे में था सत्संग क्या क्या चमत्कार करता है जिंदगी में क्योंकि चातुर्मास का अंतिम शब्द जो स है ना वो हमें सत्संग की ही महान प्रेरणा देगा कि चातुर्मास में सत्संग कर जरूर करो चातुर्मास का च कहता है चरित्रवान बनो चातुर्मास का त कहता है तपस्या करो चातुर्मास का म कहता है मोह माया से मुक्त रहो और चातुर्मास का स कहता है इन चार महीनों में सत्संग जरूर करो सत्संगत्व निसंगत्व निसंग निर्मोहत्वम आचार्य शंकराचार्य ने कहा था कि व्यक्ति अगर सत्संग कर ले तो वह हजार हजार दुर्गुणों से मुक्त होकर जीवन में सदगुणों को उपलब्ध कर लेता है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मधे संप्राप्त सन्न काले नहीं, नहीं रक्ष से टुक्र करने हे जीव तुम परमात्मा का स्मरण कर ले क्योंकि जब मृत्यु तेरे सामने आएगी तो तुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं सत्संग का कमाल बताऊं इतने मात्र से समझ लो कि पानी की एक बूंद गिरती है कुसंग क्या होगी और सत्संग क्या चमत्कार करती है पानी की एक बूंद गिरती है चलो हाथ लाओ ऊपर एक पानी की बूंद गिराते हैं टपक गिरा लो टपक पानी की एक बूंद गिरी और पानी की बूंद गिरते ही नीचे उसे एक सांप का मुंह मिल गया भविष्य लीजिए आप दिमाग में पानी की बूंद के भविष्य की कल्पना कीजिए क्या उसका भविष्य हो सकता है दिमाग में लीजिए वो पानी की बूंद गिरी टपक और नीचे सांप मुंह खोले खड़ा था और वो बूंद उसमें चली गई उसके भविष्य की कल्पना कीजिए क्या हो रही है पानी की बूंद का भविष्य बोलो 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 जोर से बोलो ऐसे दबक के मत बोलो जोर से बोलो जहर बन जाएगी अब देखिए पानी की बूंद का भविष्य संगत इंसान के जीवन में कौन सा मोड़ लेती है कि वो पानी की बूंद अगर गिर गई सीप के मुंह में क्या बुद्धि लगा सकते हैं जिंदगी में गलत दोस्तों का आना ये इंसान के जिंदगी में सांप के मुंह में पानी की बूंद का जाना है और जिंदगी में किसी गुरुजनों का सानिध्य जीवन में आना ये सीप के मुंह में हमारे जीवन की बूंद का जाना है हमारे भविष्य को सुमधुर करने का श्री गणेश आज हो चुका है कि हमें कोई शिव का सानिध्य मिला है यानी अब हमारा भविष्य बोलो बोलो मोती बनने वाला है हम थे मुंबई में बता रहा हूं मैं सत्संग क्या चमत्कार करता है इंसान की जिंदगी में मुंबई में कोरा केंद्र मैदान में हमारा चातुर्मास था सभी कौम पंथ परंपरा के लोग हमारे यहां आए करते थे देश के एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ साहब भी उस प्रवचन में आया करते थे मराठी थे मूलत रोज आते थे पता नहीं भाव दशा बदलते बदलते सत्संग को सुनते 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 लगभग प्रयूषण पर्व के आठ दस दिन पहले उन्होंने मंच पर अपनी धर्म पत्नी के साथ आकर हजारों लोगों के बीच में हाथ जोड़कर संकल्प किया कि गुरुदेव मैं वो व्यक्ति हूं जो महीने में तीस दिन नॉनवेज खाता हूं पर मैं आज के बाद नॉन वेज का त्याग करता हूं हम भा विभोर हुए अगर किसी एक व्यक्ति को सुधारने के लिए एक व्यक्ति के जीवन के निर्माण के लिए अगर पूरा पंडाल बनाना पड़ता है और चार महीना बोलना पड़ता है जब भगवान श्री कृष्ण एक अकेले अर्जुन के लिए गीता को पैदा कर सकते हैं तो एक जीव को सुधारने के लिए क्या हम दो मीना नहीं बोल सकते हैं और हमने इसी भावना से हम मैदानों में जाकर सत्संग करते हैं हमारा कोई गुरुडम नहीं होता हम कभी किसी को नहीं कहते कि अमुक करो और अमुक मत करो और ये नाम लो भगवान का ये नाम मत लो हम तो कहते हैं तुम्हारी इच्छा है मुंह पत्ती हाथ में लेकर सामयिक करना है वैसा कर लो आपकी इच्छाएं मुझे मुँह पत्ती मुँह पर बांधकर करनी है वैसा कर लो आपको लगता है मुझे लंबी वाली मुँह

क्योंकि सनातनी बनकर आराधना कराए इससे क्या फर्क पड़ता है भाव दशा मन में होनी चाहिए परूषण पर्व आए सभी लोग देखकर दंग रह गए क्योंकि नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो कॉलोनी में सैकड़ों जैनों के घर थे जहां वो रहते थे और हमारे यहां उनमें से काफी परिवार सत्संग प्रवचन में रोज आते थे दंग तब लोग रह गए जब उन्होंने देखा कि वो पति पत्नी दोनों परुषण पर्व में प्रतिक्रमण करने के लिए शब्द को ध्यान से पकड़ना जो व्यक्ति एक महीना पहले क्या खा रहा था महीने में तीस दिन हुँ? वो प्रतिक्रमण करने के लिए हम तो चौंक पड़े कैसे तो उसने जुगाड़ किया होगा कहां से उसने ढूंढा होगा वो धोती चदर पहनकर हाथ में मुंह लेकर चरवला जनी समझते ना वो लेकर के आगे आके बैठ गए हम हमें एक और तो चौंक पड़े खूब जीव दया के काम हुए प्रभु प्रसादम शुरू हुआ उसमें सहयोगी बने पर हमारे मन में जो व्यक्ति के प्रति और हमारे अपने ही सत्संग प्रति हमारे मन में जो प्रेम और अनुराग जगह में बता रहा हूं हमारा विहार का दिन था चतुर्दशी के दिन इन सारे चातुर्मास के आयोजक लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया क्योंकि बड़ा विराट चातुर्मास हुआ तो मुंबई के हर क्षेत्र से हजारों लोग सत्संग में आए भी गुरुदेव का अंतिम प्रवचन है कल विहार करने वाले हैं पूर्णिमा को हम लोग वहां से सूरत अहमदाबाद होते हुए जोधपुर के लिए विहार करने वाले थे जो जो कार्यक्रम निर्धारित था सब सब वैसे बोला जा रहा था कोई विदाई गीत गा रहा है कोई आंसू ढुलका रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं कोई विदाई भाषण दे रहे हैं इतने में वो जो मैंने कहा था ना बड़ी कंपनी के जो बड़े सीईओ मैनेजर साहब जिन्होंने नॉन में छोड़ा उनकी पत्नी ने हाथ खड़ा किया सर दो मिनट मतलब हमें भी मौका मिले हमने कहा हाँ हाँ प्रेम से पधरो बेन अब वो मंच पर आए और आकर उसने जो बात कही मैं आपको बता देना चाहता हूं बात उसने ये कही अब तक तो लोग हमारे विहार के लिए हमारी विदाई के लिए अपनी आँखों में सजल नैनों से आंसू बहा रहे थे लेकिन अचानक लोगों की भाव दशा कैसे बदलती है लोग विदाई समारोह को भूल गए और लोगों की भाव दशाएं कैसे बदली उसने मंच पर आकर कहा साहब मैं अपने पति को हजार बार समझा कर हार गई थी कि अपन लोग जैनियों के माहेश्वरियों के अग्रवालों के जो कॉलोनी हैं अपन उसमें रहते हैं और अपन लोगों को ये लोग अच्छा भी नहीं मानते अपन नॉनवेज खाते हैं ठीक है अपन बहुत अमीर हैं इसलिए अपन को कोई टोकता नहीं है मैंने इनको रोज़ कहती थी कि आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इन्होंने गुस्से में मुझे कह दिया कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर खाना पीना नहीं छोड़ सकता हूँ पर मैं आपको बता दूं इस चातुर्मास का चमत्कार सत्संग का चमत्कार लोगों की जिंदगी में क्या हुआ है मेरे पति देव ने एक महीने तक इन संतों को सुना इन भाइयों को सुना और इन संतों की वाणी को सुनते सुनते एक दिन अचानक मुझे आंख से मिलाते हुए कहते हैं चल मंच पर आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं और वो मंच पर आकर जिस नॉन वेज छोड़ा आप नहीं सोच सकते मेरी आत्मा कितनी आनंदित तो हुई और तब उसने हजारों लोगों को कहा कि साहब आज मैं आपको गौरव के साथ बताती हूँ कि मैं इन चार महीनों में हमारा घर परिवार कितना सात्विक बना है आज चतुर्दशी का दिन है मैं क्यों इतना सा बता रही हूँ तीन महीना पहले जिसके घर में नॉनवेज बनता था आज हमारे घर में चतुर्दशी है क्योंकि हमारे गुरुदेव हरी सब्जी चतुर्दशी को नहीं खाते तो हमारे घर में आज बड़ी और पापड़ की सब्जी बनी है मैं आपको कैसे बताऊं लोग अब तक तो रो रहे थे हमारे विहार के लिए और हमारी आंख में आ गए उस बहन के बात को सुन मैंने कहा इसको परिवर्तन कहते हैं जैनियों को जैन बनाना मुश्किल है बाकी किसी को भी लाके खड़ा कर दो कल सुबह तक जैन बना देंगे लोग सत्संग की वाणी सुनकर अपने जीवन को इतना रूपांतरित करते हैं इतना रूपांतरित करते हैं संत का सानिध्य ही काफी होता है क्यों जोड़ देते हैं लोग चातुमास में संतों का प्रवचन और सत्संग पाने के लिए क्योंकि कुछ संत होते हैं जो हो सकता है बोल ना पाते हो ज्यादा बढ़िया पर उनका सानिध्य ही काफी होता है देखो आज सुबह सुबह जब बापजी चैत्य वंदन करके खड़े हुए थे परमात्मा की प्रतिमा के सामने उनके पास खूब सारी बहनें बैठी थी जो गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए देश भर से अलग अलग जगह से आए हुए हैं और बापजी ने हल्का सा इशारा किया कि चलो आज चातुर्मास की स्थापना अपन नया श्री गणेश करते हैं रात्रि भोजन का त्याग करते हैं जिन जिन लोगों ने रात्रि भोजन का महाप्रत्याग किया था ना अग्रवाल लोग भी थे माहेश्वरी बहने भी थी, जैन भी थे एक माली सुथार जाति से भी थी मैं तब गौरव से भर उठा उन्हीं बहनों ने बाकी सब ने कहा बाप जी चार महीना चार महीना चार महीना उन्होंने कहा बाप जी आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ मैं अपने जीवन में संकल्प लेती हूँ अब मैं बताऊँ वो जाति से कौन थी वो महिला जाति से है टाँक कलाल जिनके पूर्वजों जीवन पर शराब बेचने और बनाने का धंधा किया होगा संत का सामिप्य पाकर सत्संग पाकर जीवन कैसे रूपांतरित होता है और वो बहन खड़ी होती है खड़ी होकर कहती है गुरुदेव मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूं सत्संग क्या कमाल करता है बताऊं एक मानुभाव पूना से आए हुए हैं पोपटलाल जी सुराना है क्या यहां पर हाँ तो ये हमें अपने पूना यात्रा के दौरान मिले और इनकी भावना रहती है कि मैं कभी किसी को कभी किसी को लोगों को लाऊं और गुरुजनों के सानिध्य में लाकर उनके जीवन को बदलूं इनके एक मित्र हैं उनके यूं समझ गए गुटका जर्दा इसका संस्कार रहा यहां लेकर आए बार बार उनका मन कर रहा था कि मैं गुरुदेव को बोलूं कि आज ये इनको प्रेरित करो पर इनको भय था कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए किसको जिसको ये लेकर आए हैं केवल उन्हें आए दिन हुआ है जिस दिन हमारा नगर में प्रवेश हुआ था उसके पहले दिन वो लोग आए थे और आज शनिवार है शनिवार को आए शनिवार है आठवां दिन आज है अभी रस्ते चलते मुझे कह रहे थे गुरुदेव आपके सानिध्य और सत्संग का क्या फर्क पड़ता है पाँच दिन उन्होंने प्रवचन सुना होगा पत्नी जीवन भर हार गई थी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो परिवार के लोग हार गए थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो आज सुबह उठते ही मुझे अपने में कमरे में कहा पोपटलाल जी मैं आज से अपने जीवन के हर व्यसन का त्याग कर रहा हूँ ताली बजा कर अभिनंदन करो संत के सामिप्य का फर्क क्या होता है अगर महावीर प्रभु का सानिध्य पाकर चंड कौशिक भद्र कौशिक बन सकता है भगवान बुद्ध का सानिध्य पाकर अंगुली माल जैसा डाकू भी संत बन सकता है ये बातें हमें बताती है कि ये चमत्कार केवल तब नहीं होते थे संत का सानिध्य करके तो देखो ये चमत्कार आज भी होते हैं चातुर्मास का चल कहता है चरित्रवान बनो हम आत्मचिंतन कर लें मुझसे चरित्र के मार्ग में कहा स्खलना हो जाती है कहां कहां चूक हो जाती है मैं कब कब अपने ही नैतिक चरित्र से अपने आप को गिरा बैठता हूं क्या मैं अपने मन पर थोड़ा सा भी अंकुश लगाने में सफल हो पाता हूं क्या मैं अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा भी विजय प्राप्त करने में सफल हो पाता हूं क्या मैं अपने जीवन की बुराइयों को अंत करने में सफल हो पाता हूं आत्मचिंतन करे हर व्यक्ति और सबके सामने मैं आत्मचिंतन करने का अवसर दे रहा हूं कि हर व्यक्ति इस बात का आत्मचिंतन करे कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं मैं संकल्प लेता हूं चार महीनों में मैं चरित्रमान रहूंगा मैं ईमानदारी से जीवन को जीऊँगा मैं नैतिकता के साथ जीवन को जीऊँगा मैं झूठ कपट चोरी गलत व्यवहार का आचरण इन चार महीनों में भूल चुक कर नहीं करूंगा मैं अपने माता पिता की सेवा सुश्रूषा के प्रति पूर्णत्याग सजग रहूंगा मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस कार्य को करने से मेरे कुल और वंश के गौरव को कलंक लगे केवल संत ही चरित्रशील हो यह जरूरी नहीं है हर गृहस्थ भी चरित्रशील हो इसलिए आपको पता है गृहस्थ को भगवान ने बड़ा प्यारा सा शब्द दिया है मुनियों के लिए दिया है शमण क्या शब्द है शमण जो साधना के लिए श्रम करता है उसका नाम है शमण और गृहस्थ के लिए क्या शब्द दिया है बोलो तो शावक बहुत महान शब्द है यह इसको मामूली मत मा समझ लेना हर व्यक्ति शावक नहीं हो पाता है हर व्यक्ति जैन के घर में तो पैदा हो सकता है हर व्यक्ति अग्रवाल माहेश्वरी के घर में पैदा हो सकता है हर व्यक्ति कुमावत प्रजापत माली के घर में पैदा हो सकता है पर हर व्यक्ति शावक बनने के लिए जीवन को सुधारना होता है क्या करना होता है शावक बनने के लिए जीवन को सुधारना होता है चोरी जारी लंपट अटरम पटरम औरतों पर गलत नजर डालने वाला झूठ बोलने वाला कपट करने वाला दूसरों को दिल दुखाने वाला शावक नहीं हो सकता वो गृहस्थ हो सकता है वो संसारी हो सकता है शावक शावक का पहला अक्षर ही है श जो अपने जीवन को श्रद्धा पूर्वक जीता है जिसको अरियंतों में श्रद्धा है परमात्मा में श्रद्धा है सिद्धों में श्रद्धा है तीर्थंकरों में श्रद्धा है महान महान ईश्वर के प्रति जिसके मन में श्रद्धा है शावक का श्र होता है शावक के दूसरा अक्षर है वह यानी जो विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीता है बोलो तो विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीता है बोध पूर्वक अपने जीवन को जीता है जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जीता है और श्रावक का तीसरा क्षण क्या है क जो जीवन में अच्छी क्रिया करता है जो गलत क्रियाओं से बचता है और श्रेष्ठ और पवित्र क्रियाओं में अपने जीवन को संयोजित करता है वो व्यक्ति शावक होता है चातुर्माश का पहला अक्षर च फिर से समझ लो क्या बनो चरित्रवान बनो क्या बनो चरित्रवान बनो क्या बनो हमारी भारत की धरती चरित्रवान लोगों से ही तो हमेशा पूजी गई है किसे कहते हैं चरित्र बताऊं मैं आपको छत्रपति शिवाजी अपने राजमहल और राजसभा में बैठे थे पूरे मराठा पर उनका एक छत्र राज हो गया था और जो लोग उनकी शरण में नहीं आ पाए थे उन मुगलों को जीत कर भी छत्रपति शिवाजी ने पूरे मराठा पर एक छत्र राज स्थापित किया था और कहते हैं एक दिन छत्रपति शिवाजी की सभा में कान खोल के सुनना दिमाग लगा के सुनना मन से सुनना आत्मा में उतारना और जिंदगी में आज की इसको जोड़ लेना मराठा के शेर हिंद छत्रपति शिवाजी ने पूरे मराठा पर फतेह स्थापित कर ली थी इक्के दुख के दुखते जो राज्य बचे थे उन पर युद्ध चल रहा था और उनके सैनिक अचानक एक डोली लेकर राजसभा में उपस्थित होते हैं और लाकर कहते हैं शिवाजी महाराज हम आपके लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा लेकर आए हैं आप इस तोहफे को कबूल कीजिए इससे बेशकीमती तोहफा दुनिया में हो ही नहीं सकता शिवाजी चौंके की डोली में बैठाकर भला ये लोग कौन सा तोहफा लेकर आए हैं कहा हम मुगल साम्राज्य की सबसे सुंदर बेगम न भूतो न भविष्यती मिस यूनिवर्स से भी ऊपर मिस वर्ल्ड से भी ऊपर दुनिया की सबसे सुंदर जो महिला है हम जीत कर लाए हैं मुगलों से और हम वो आपको समर्पित कर रहे हैं वो मुगल साम्राज्य की बेगम भीतरी भीतर कांप रही थी उसे पता था कि अब तक हमारे यहां इन समाज के महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया गया है और अगर वही दोहराया गया तो इस भरी राज्यसभा में मेरे साथ क्या किया जाएगा कल्पना भी नहीं कर सकती वो अकेली राज्यसभा मराठों से भरी हुई थी चरित्र इंसान का कैसा होता है और चरित्रवान व्यक्ति का जीवन कैसा होता है जब ये सब सुनते हैं तो मन में मन में आकर्षण लिए हुए छत्रपति शिवाजी खड़े होते हैं और छत्रपति शिवाजी के आने पर डोली के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है शिवाजी उस नायाब तोहफे को देखते हैं हैं और देखकर कहते वाह मान गए मेरे प्यारे सैनिकों तुम वास्तव में दुनिया का सबसे प्यारा बेहद प्यारा तोहफा लेकर आए हो मैंने आज तक जिंदगी में इतनी सुंदर महिला नहीं देखी अब वो महिला कांप रही है पता नहीं अब राजसभा में, में मेरे साथ क्या होगा तब छत्रपति शिवाजी कहते हैं उस महिला को देखकर ओ नाया तोहफा अद्भुत अनुपम बेहद सुंदर न भूतो न भविष्य ऐसी सौंदर्य आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा और आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं भी आपका बेटा होता तो आप जितना ही सुंदर होता ये 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 केवल शिवाजी ने नहीं बोला ये भारत के महान चरित्र ने बोला जिन लोगों ने अपने जिंदगी में महान चरित्र को जिया है वो महान चरित्र के लोग ऐसी वेला में इन अद्भुत बातों को बोल सकते हैं बहुत सरल है मेरे भाई मेरा द्वारा बोलना और बहुत सरल है आपके द्वारा ताली बजाना पर बहुत मुश्किल था उस समय छत्रपति शिवाजी के द्वारा धैर्य रखकर उस दुनिया की अद्भुत सुंदर नारी में भी अपनी मां का स्वरूप देखना इसलिए मैंने कहा हमारी ये जो चातुर्मास का च चा है हमें जीवन में पहली प्रेरणा देता है कि हम चरित्रवान बने चातुर्मास का त हमें कहता है हम इन चार महीनों में तपाराधना जरूर करें क्या जरूर करें तपाराधना जरूर करें अपने आप को तपस्या के लिए छोटी मोटी तब मैं आपसे अनुरोध करूंगा हो सकता है मां से न कर पाए धन्य है वे लोग जो इन चार चार महीनों में कई ऐसे तपस्वी लोग भी हैं जो दो दो तीन तीन मास करेंगे कई ऐसे लोग भी हैं जो 120 दिन की तपस्या करेंगे ऐसे लोग भी हैं जो महीने तक या एक व्रत करेंगे ऐसे लोग भी हैं जो अट्ठाई पंद्रह उपवास सत्रह उपवास इक्कीस उपवास इकतीस उपवास करेंगे उनकी अनुमोदना कर कर के हम केवल मुंह से न बोलें हम अपने जीवन को भी तप आराधना से जोड़ें और मन में संकल्प करें मैं और कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, पर हे प्रभु मैं इस चातुर्मास में अपने आप को तपर आराधना से जोड़ रहा हूं और तपर आराधना से जोड़ते हुए छोटा सा मानसिक संकल्प कर रहा हूं कि मैं कम से कम चार महीने तक अच्छा आपको एक और सुविधा रहती है चार महीनों में ब्याह शादियों का जो माल उड़ाने की आपकी आदत है मुफ्त का वो भी सुविधा नहीं होती है इसलिए आप लोग रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं साहब माल मलिंदे हाथ से निकल जाते हैं हमने खिलाए तो हम क्यों ना खाएं तो आदमी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, है? थोड़ा सा आदमी क्या होता है कमज़ोर हो जाता है इन चार महीनों में ब्याह शादियाँ भी लगभग नहीं होती है ज़्यादा जीवन वारियाँ भी लगभग नहीं होती हैं तो अच्छा होगा ना इस स्वर्णिम अवसर को अपने आप से जोड़ लीजिए इन गुरुजनों की वाणी को सुनते हुए अपने आप से ये मानसिक संकल्प कर लीजिए कि मैं और कोई तपस्या करूं कि न करूं पर मैं एक श्री प्रभु के चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करता हूं तपा आराधना का शक्ति अनुसार पत्र पुष्प समर्पित करता हूं और समर्पण ये करता हूं कि मैं इन चार महीनों में चाहे जो कुछ कर लूं पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगा क्या है क्या है आप किसी भी जाति कौम परंपरा के हो कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई संत के पास आएंगे ना तो जीवन सुधार की कार्रवाई तो होगी होगी दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं ना वे सब के सब किसी संत के सानिध्य में जाकर ही अपने जीवन का निस्तार किए हुए हैं मैं आपको बताऊं हमारा अभी जिस घर में चातुर्मासिक प्रवास है रमेश जी अग्रवाल अब मैं आपको बताऊं संत के सानिध्य का परिणाम क्या होता है परसों अचानक अपनी वो ये क्या पहनते हैं ना हाथ में घड़ी के साथ क्या होता है वो ब्रासलेट कर मोटी मोटी चैन पहनने की आदत है उतार कर सब कर कराकर आ गए शाम को साढ़े सात बजे आए और आकर के हमारे सामने बिल्कुल वो जो सादे कपड़े होते हैं ना मतलब श्वेत वस्त्र पहनकर हमारे पास आए मैं कहा भरोसा सुनकर इतना भाव विवल हो गया कहा गुरुदेव प्रतिक्रमण करने के लिए आया हूँ आपके पास रमेश जी अग्रवाल आए हमारे पास आठ दिन हुए हमें अभी उनके घर में आये हुए छठा दिन है आज रविवार को आए और आके कहा बाप जी, मैं सामायिक और प्रतिक्रमण करने वास्ते आया हूँ मैं सोचियो मैं सोचियो मारो मन इतना तो आनंद से भर गयो और मैं देखियो लगातार ध्यान में सवा घंटे तक बैठकर कर कोई आया होगा कोई गया होगा कोई चला होगा उनकी धनम पत्नी भी आई होगी कोई इशारा विशारा करने के लिए यह आराम से पूर्ण मौन पूर्वक, सामायिक और प्रतिक्रमण करके आनंद भाव से खड़े हुए तो हमारे मन में आया हंड्रेड परसेंट जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि संत के सानिध्य में रहने से जीव का निस्तार होता है ये नमूना सामने संत के सानिध्य में रहने से जीव का निस्तार होता है पुराणों की कथा में एक प्यारी सी कथा आती है मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यह कथा आपको पूरे चार महीने तक याद रखनी है और उसके बाद आपको रात्रि भोजन का त्याग कराने का मन बनवाऊंगा कहते हैं एक बार नारद जी अगर आपके पास कमर हो तो सीधी कर लो ताकि बात सीधी भीतर में उतर सके तो एक बार नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के पास गई दंडवत हुए और जाकर कहा भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है यह पुराणों से कहानी में कह रहा हूं ब्रह्मा जी ने कहा बोलो भाई कहा भगवान जिज्ञासा इस बात की है कि जरा आप मुझे बताएंगे लोग कहते हैं संतों का सत्संग करो संतों की वाणी सुनो संतों का सानिध्य पाओ सत्संग करो यह संत के दर्शन करने का फल क्या होता है ब्रह्मा जी ने आंख बंद की नारद जी को देखा और अंतर मन से नारद जी को देखकर उन्होंने बंद आंखों में कहा भाई नारद तूने जिज्ञासा तो बड़ी अच्छी रखी है पर मुझे लगता है इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा तुम ये काम करो ना ये देखो नीछे देखो नीछे देखो नीछे देखो नीछे देखो नीचे नीचे देखो, नीचे नीचे वो जो नरक है ना उसके द्वार में जैसे तुम प्रवेश करोगे बड़ा सा द्वार है और उस द्वार पर किनारे पर तुम्हें कीड़ा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा तुम एक काम करो ना उस कीड़े से जाकर पूछो कि संत के दर्शन का फल क्या होता है नारद जी के माथे में खा जाए। अभी मने। आप आने के ला? अभी जैसे जेल राठी साहब आएंगे आकर मुझे कहेंगे बाप जी, मेरे मन में जिज्ञासा है मैं कहूंगा बोलो सा के बाप जी, ये ये काम कैसे और कैसे करना चाहिए मैं क्यों भी कुत्ते ने जाने पूछ लो तो उन्होंने महाराज रो माथो कहीं कहीं लागल राठी साहब रो माथो किस्से मैं पूछूं महाराज ने मैंने के कुत्ते ने जाने पूछ ले और वही लागियो नारद जी ने भी ब्रह्मा जी भी कहीं खोपड़ी है अरे मैं पूछूं भगवान ने और भगवान के कहने जा रहा पूछ नरक के कीड़े ने जा रहा पूछ ठीक है भगवान से कुन बहस करे जो बाप जी कह दे बहुत सही नारद जी आया नरक के द्वार पर गया देख चौंक गया क्योंकि वास्तव में ही उन नरक रे इतने बड़े दरवाजे माथे एक कीड़ो यूं 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 रैंग तो यो ऊपर चढ़ रहे हो नारद जी ने लागियो मतलब भगवान जी की बात कही बा, बात तो हंड्रेड परसेंट सच है कीड़ो तो मिल ही क्यों मतलब जवाब भी मिल जा सी और पचे नारद जी भगवान ने याद कर भी कीड़े ने कहो हे भाई कीड़ा भाई मैं तो ब्रह्म जीरे कह सो आयो हूं मैंने एक बात बता दे कि संत के दर्शन करना का कई फल मिले है और सुनो तो कि वो कीड़ो भी नारद जी ने देखियो और देखियो देखते रहे देखते रहे देखते रहे जवाब तो दियो को नहीं देखते देखते नीचे पड़ गयो तड़फड़ाया और मर गयो। नारद जी ने जवाब मिल गयो बतासो कहीं जवाब मिलियो नारद जी ने कहीं जवाब मिलियो संत के दर्शन करने से जीव की मृत्यु हो जाती है नारद जी ने जवाब मिल गयो ब्रह्मा जी भेजियो अठे और ओ कीड़ो तो मर गयो और नारद जी ने जवाब मिल गयो कि संत के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव की अकाल मृत्यु हो जाती है कोई दो चार महीना बीत और एक बार नारद जी फिर ब्रह्मा जी रखने आ और केव ब्रह्मा जी थे कहीं मन बैठे भेजियो वो बाप रो कीड़ो तो मर गयो मर गयो अरे हाँ मर गयो अच्छा एक काम कर देख नीचे देख वो नीम रो पेड़ अरे भगवान नीम नीम्र पेड़ माथे एक है तोते रो घोस अभी अभी एक नयो बच्चो पैदा हुआ है तोताराम तोता राम भी तो सत्संग फल कहीं वे दर्शन रो फल कहीं वे नारद जी नीचे आया नीमरे पेड़ नीचे आया देखे तो वास्तव में ऊपर तो तो बैठो थो तो और छोटो सो बच्चो तोते रहो बार बार घोंसले से मुंह बांडे निकाल 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 देख रहे तो और भी तोते राम ने नारद जी पूछे भाई तोते राम भगवान के कहने पर आयो हूं इतना जवाब चाहिए कि संतरे दर्शन का अनुरा कई फल मिले है कहीं गजब भाई आपने कहीं बताऊं कहीं गजब हुयो सोच नहीं सका आपा के ओ फल भी हुए वो तो भी नारद ने देखते रहे देखते रहे हो देखते रहे हो देखते रहे देखते रहे देखते रहे हो नीचे लुड़कियो तड़फड़ाया और मर गयो अरे नारद जी के ओ महान पाप लागियो मारे कारण एक तो बापड़ो बो कीड़ो मरियो और दूजो ओ તો તો મરી અમે કંઈ કરું અમે કંઈ કરું આપા તો બ્રહ્માજી ખાને અમે જાણી કોની એ પ્રશ્નનો જવાબ ચઈએ કોની દો દો વાર જવાબ મળી ગયો સંતનો દર્શન કદી નહીં કરનો કયો જીવ દેખે સંતને ઓર ઓરબી મૃત્યુ જ આવે અકાળ મૃત્યુ જાવે कोई साल महीना बाद कोई दूसरे काम से ब्रह्मा जी कोई मीटिंग बुलाई थी नारद जी ने भी बुलाया नारद जी गया और ब्रह्मा जी ने चला ने पूछ लियो भाई तो प्रश्न अरे भगवान छोड़ो बात छोड़ो नहीं 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 अरे भगवान मैं तो मैंने बात ही नहीं, अरे कहीं हो अरे भगवान बो बापड़ो कीड़ो मरियो तो तो मरियो बहुत पाप लगियो मैंने तो भगवान के एक काम कर मारा कहें सुख देख 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 नीचे देख नीचे देख नीचे देख नीचे देख के कहीं देख बो घर में अभी अभी गाय एक बछड़े ने जन्म दिया है तुम भी खाने जा पूछ ले, अरे भेजा हुआ बछड़े से आकर यही कहा बछड़ा राम इतना सा बता दे कि संत के दर्शन का फल क्या होता है सत्संग का फल क्या होता है कैसे आपको बताऊं क्या दुर्भाग्य रहा होगा उस बछड़े ने भी नारद जी को यूं देखा यूं देखा यूं देखा कहीं यो कहीं यो जी बबाने निकल गयी और नारे जी घुटनों टिकार प्रभु ने प्रणाम करियो कि भगवान थे मासू कहीं पाप करा दियो थे मासू कहीं पाप करा दियो वो कीड़ो मरियो मैं सहन कर लियो वो तो तो मरियो सहन कर लियो भगवान आज मासू हत्या हत्यारो पाप हो गया तुम्हारे

और ज्योई जोई ज्योई भगवान बात उठाई नारद जी एकदम कांपण लागे भगवान भगवान आप बात बिल्कुल मत करो इन्होंने बारे में चर्चा भी मत करो मैं कोई बात करनी नहीं चाहूं अरे कहा थारे प्रश्नों से मेरे भगवान क्या समाधान पाप पर पाप पाप पर पाप मारे माथे चढ़ाउन त जा रहे हो कई समाधान अरे भगवान के तुमारे मारे से जा देख 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 देख, देख वो अमुख शहर उन शहर रा राजा और राजा रा घर में अभी राजकुमार पैदा हुई तू तो उन रखने जार पूछ कि सत्संग और संत दर्शन फल के वे नारद जी के हो तो मर ही नहीं जाऊं हैं है तो तो मरियो कोई ने ठानी पड़ी हैं है? है? कीड़ो मरियो कोई ने ठानी पड़ी बछड़ो मरियो कोई ने ठानी पड़ी और राजा रो बेटो कहीं मने देखे ला और देखते ही राम राम सत्य वेला और मारे ऊपर

जो ही राजा ने मालूम पड़ी कि नारद जी आया है और वे भी राजकुमार सु मिलन वास्ते आया है तो नारद जी ने देख कर तो बठ राजा घने आनंद भर गयो अरे नारद जी आया मारे बेटे सु मिलन वास्ते आज जो आप घर में कोई टाबरे पैदा हुए और पता लग गया चंद्रप्रभ जी बाप जी आपने घर में मंगल पार सुनाने आया तो पूरा मोहल्लो जाग जैसी अरे ये कहीं बात करे थारे घरे बाप जी आया थारे घरे बाप जी स्पेशल आया और वही रहे साथे राजा नगरवासी सगला आनंदित हो गया नारद जी आ रहे नारद जी आया नारद जी आया <laughs> राजा पूछो पधारो नारद जी पधारो कहीं कृपा लाया अब नारद जी ने बेचारे बुरनी मतनी हुई नहीं हुए घंटा दो घंटा बीतिया और 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 वो राजे के भगवान मारी इच्छा है आया हो तुम्हारे तो बेटे ने दर्शन दे जाओ हमारे घर में पेड़ों राजकुमार पैदा हुई है शादी रे अट्ठारह साल बाद में आज कुंवर पैदा हुई है उन्हें दर्शन दे दो संत दर्शन दे दो और बेचारा नारद जी तो मायस होर्र थर्र 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 ओ मने देखते ही गयो कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं नारदो तय कर ला। ला। देखी मैं उन्हें देखू ला पर मैं कहीं भी बात पूछू ला नहीं बस न रहेगा बास और न बजेगी बांसुरी मैं पूछू को नहीं तो वो जवाब कठू दे वहां आए नारद जी बैठ गए वो बच्चा भी नारद जी को देख रहा है नारद जी बार बार इधर मुंह करे कि कठियो टपक नहीं जावे कहीं कठियो टपक नहीं जावे बच्चों बार बार नारद जी देखे बार बार नारद जीन देखे बारह दिन बच्चों कितना दिन रो? बारे दिन बच्चों और वो अचानक बोल भगवान बड़ी कृपा करी दर्शन देव ने पधारिया भगवान कृपा कर सो आप मन में कई खास बातें हैं मन दर्श अरे नहीं नहीं कहीं नहीं कहीं, ने, कहीं ने, अरे भगवान बोलो आप नहीं नहीं कहीं नहीं कहीं अरे भगवान बोलो नहीं आप कहीं बात करना नहीं नहीं करेटा कहीं नहीं तब उस बच्चा बोल पड़ा भगवान आपके मन में भगवान ब्रह्मा जी की भेजी हुई जिज्ञासा है ना कि संत सत्संग और संत रो फ वे भगवान सच्चाई तो ये है आज मैं राज खोल रहा हूं आपके सामने घबराओ मत नारद जी घबराओ मत मैं मरने वाला नहीं नारद जी रजान में जान आई थोड़ी मतलब उम्र तो कौन नहीं मतलब ठीक है हमें उम्र तो को नहीं ओ ओ मतलब टपके तो को नहीं हमें उम्र तो को नहीं वे थोड़ा सा ठीक हो या दिमाग ठीक करियो अपसेट दिमाग ने थोड़ा सेट करियो हाँ हाँ बोल बेटा बोल बोल सत्संग रो फल के तू बता दे मैने कि भगवंत सत्संग का फल है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी आध, तुलसी संगत साधु की बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो, बोलो। कटे अपराध कहा भगवन कैसे आपको बताऊं आप तो मन में प्रायश्चित कर रहे हैं पर आज मैं आपको राज खोल रहा हूं ये संत के दर्शन और सत्संग का शुभ परिणाम होता है भगवान कि उस बालक ने अब देखो मेरा अतीत भगवान नरक के कीड़े ने आपके मरने से पहले मुख दर्शन किया उसकी गति सुधर गई मरकर वो तोता बन गया तोते का भी आयुष्य पूर्ण हो रहा था दर्शन देने के लिए आप आ गए और आपके शुभ दर्शन करने से उसकी उसकी बोलो 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 गति सुधर गई आपके शुभ दर्शन करने से उसकी गति सुधर गई वो मरकर गाय का बछड़ा बन गया भगवान गाय के बछड़े का भी आयुष्य पूर्ण हो रहा था और मरते मरते उसने आपके मुँह का दर्शन कर लिया और उसकी गति सुधर गई आज मैं ये राजकुमार बन गया ये है नरक के कीड़े से राजकुमार बनने की यात्रा और भगवान यह है संत के दर्शन का शुभ परिणाम इसलिए कहते हैं चातुर्मास काल में किसी भी गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सौभाग्य होता है संत तो यायावर होते हैं पर चातुर्मास काल में गृहस्थ लोगों को संत के निकट सामिप्य में आकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का अवसर मिलता है हर साल बारह महीने होते हैं आठ महीना सफलता के लिए होते हैं और चार महीना ये जो चातुर्मास के लिए हैं ये सार्थकता के लिए होते हैं एक किसान के लिए जैसे सावन के महीने का महत्व तो होता है और बीज वपन करने के बाद जैसे वो सावन के बारिश की इंतजारी करता रहता है वैसे एक गृहस्थ के लिए एक आम श्रावक और व्यक्तित्व के लिए उसके लिए ऐसे ही ये संतों के सानिध्य की इंतजारी रहती है कि संत दर्शन करेंगे और उनके पावन सानिध्य में बैठकर अपनी आत्मा का निस्तार करेंगे